ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सोनिया एंड आई एम फ्रॉम DRM पब्लिक स्कूल। आइए आज मैं आप सभी को व्याकरण के बगीचे में लेकर चलती हूँ। आप कौन हैं? हम संध्या हैं। अपने बारे में बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राधा, मोहन, श्याम, पानीपत, दिल्ली। व्याकरण के बगीचे में हमें समझ में आया किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे पानीपत, दिल्ली, राधा, मोहन, श्याम। आइए आगे बढ़ते हैं। आप कौन हैं? हम सरनाम हैं। अपने बारे में बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सरनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, आप, वे आदि। व्याकरण के बगीचे से हमें यह भी समझ में आया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सवर्णनाम कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप कौन हैं? हम क्रिया है। अपने बारे में बताइए। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, नाचना, गाना। व्याकरण के बगीचे में हमें यह समझ में आया जहाँ पर हम किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कौन हैं? हम विशेषण हैं। अपने बारे में बताइए। संज्ञा व सवर्णनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे मोहन अच्छा नाचता है। अतः हमें समझ में आया संज्ञा और सवर्णनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।